कोहिनूर जो मुमरा का सबसे बड़ा और पहला मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, जो पिछले 11 सालों से ट्रस्टवर्थी ब्रांड है, लाया है मुमरा का सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक और होम अप्लायंसेस ब्रांड स्टोर, जहां मौजूद है सभी ब्रांड अंडर वन रूफ, वो भी शहर के बीचों बीच। वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो आपके घर की खूबसूरती में चार चांद लगा, स्पेशल लोन ऑफर विथ जीरो डाउन पेमेंट, साथ ही पहले 200 कस्टमर के लिए स्पेशल गिफ्ट पैक। कस्टमर की हैप्पी रिस्पांस को देखते हुए अब और भी पर्सनलाइज सर्विस के साथ कोहिनूर सेलिंग जॉयफुली। अब न्यू लोकेशन पर ओल्ड नशेमन कॉलोनी नियर बाय डॉक्टर दादन क्लिनिक मुमरा कौसा। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। खाने में जो जीरा आप खा रहे हैं, कहीं ये जीरा नकली तो नहीं है, जो स्वाद के साथ साथ आपके सेहत भी बिगाड़ रहा है। नकली जीरा बेचने वाले दो आरोपी शादाब इस्लाम खान 33 साल और चेतन गांधी 34 साल को भिवंडी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भिवंडी पुलिस को जानकारी मिली थी कि शांति नगर इलाके के फातिमा नगर इलाके में नकली जीरे का कारोबार किया जा रहा है, जहां से नवी मुंबई एपीएमसी मार्केट और आसपास के होटल और ढाबों पर ये जीरा सप्लाई किया जा रहा है। मगर पुलिस ने यहां से 3.5 टन नकली जीरा जब्त किया है, जिसकी कुल कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने नकली जीरे का कारोबार करने वाले शादाब और चेतन को गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी नवनाथ ढावले ने इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। शांतिनगर पुलिस स्टेशन के अंदर 24 तारीख को शांतिनगर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई इंदलकर, पीएसआई गुगे और उनके टीम को एक जानकारी मिली थी कि यहाँ पे बनावट जीरे का एक गाड़ी आने वाली है और उसमें बनावट जीरा है। उसी के तहत वहाँ पे हमने ट्रैप करके वो गाड़ी और जो बनावट जीरा है वो सीज किया है। उसके अंदर शांतिनगर पुलिस स्टेशन में सेक्शन 420, 272, 273 और फूड एक्ट के तहत गुना दाखिल किया है। उसमें अब तक 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, उनको 2 दिन की पुलिस कस्टडी है और अब तक 3.5 टन जो बनावट जीरा है वो सीज किया हुआ है, जिसकी मार्केट वैल्यू अराउंड 10 लाख रुपीज़ है। और अब तक के तपास में ये जो बनावट जीरा है वो बनाने के लिए वो गुजरात से रॉ मटेरियल आता था, और गुजरात से रॉ मटेरियल आने के बाद उसमें जो बड़ी शेप अपनी जो रहती है, हम सब खाते हैं, वो बड़ी शेप का जो पीछे वाली डंडी होती है उसको कलर कोटिंग करके या कुछ केमिकल मिक्स करके उसमें ओरिजिनल जीरा में मिक्स किया जाता था और वो पैरट कंपनी के नाम से मार्केट में बेचते थे। अब तक के तपास में मतलब 2 आरोपियों को अरेस्ट किया है, आगे का भी इन्वेस्टिगेशन चालू है। उन्होंने कहाँ कहाँ से और किनको किनको ये माल बेचा है और ये जो बनावट जीरा है, पर्टिकुलरली जीरा राइस बनाने के लिए हम जो डेली सब्जी या कुछ खाते हैं उसमें भी वो जीरा यूज करते हैं। सर, ये पूरा माल कहाँ पर बनाते थे, कौन से स्थान में लगेगा? और ये जो मनोर करके है पालघर में, वहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी, वो भी हमने सीज की हुई है। वहाँ पे जो बनावट जीरा बनाने की जो मशीन है वो भी सीज की हुई है। सर, कितने दिनों की आरोपियों को, कितने दिनों की? 2 दिन की पुलिस कस्टडी आरोपियों के मिली हुई है। और इसमें ये जो देखो, ये जो ओरिजिनल जीरा है और ये जो है जो मिक्स किया हुआ है, मतलब बनावट जो है वो दोनों मतलब पानी में डाला हुआ है, आप इसमें डिफरेंस देख सकते हैं जो कलर का है। और इसमें वो बनावट जीरा है उसका पैकेट है वो मतलब आता था, कभी कभी ओरिजिनल जीरा और इनका कलर थोड़ा अलग होता है, तो उसके लिए वो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाउडर उनका यूज़ करते थे। वो केमिकल पाउडर है, कुछ कलर है, उसका यूज़ करके वो मिक्स करते थे और ये फिर उसका पैकिंग करते थे पैरेट नाम से, और ऐसा पैकिंग मार्केट में बेचते थे।